प्रदेश के पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की तैयारियों पर अपनी बात रखी। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर पूरे प्रदेश में नफरत और लोगों को बांटने का आरोप भी लगाया। देखिए, हर राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर तैयारियां कर रहे हैं। हम लोग तो हम भी लगातार जीते सीटों के साथ साथ हारे सीटों में भी लगातार हम लोग काम कर रहे हैं हमारे संगठन स्तर पर, और हमारे सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब लगातार हर विधानसभाओं में भेंट मुलाकात के माध्यम से जा रहे हैं, वहाँ की समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं की बात सुन रहे हैं, जनता की बात सुन रहे हैं। तो हम हर स्तर पर हर विधानसभा में जाके कांग्रेस पार्टी को मजबूती कैसे प्रदान करें उसके बारे में सरकार के मुखिया भी कर रहे हैं, हम संगठन स्तर पर भी कर रहे हैं। तो हमें उम्मीद है छत्तीसगढ़ की महान जनता 2023 में फिर से छत्तीसगढ़ में हमें सरकार बनाने का मौका देगी। जिस ढंग से आग उगलने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, नफरत फैलाने का काम कर रही है, लोगों को बांटने का काम कर रही है। देखिए, छत्तीसगढ़ शांत प्रदेश है, शांत प्रदेश, यहाँ की फिजा, हम लोग सब भाईचारा के साथ रहते हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए लोगों को भड़काने का काम और लोगों को बांटने का काम कर रही है।